हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में एक बड़ा हादसा पेश आया। देर शाम हुए इस हादसे में जिले के बद्दी में निर्माणाधीन भवन का छत टूट गया। इसकी चपेट में आने से दो मजदूर घायल हो गए हैं, उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। हुआ ये कि निर्माणाधीन भवन का नया छत डाला जा रहा था, इसी दौरान अचानक छत टूट गया। हादसे के समय छत पर मजदूर काम कर रहे थे, इनमें से तकरीबन तीन मजदूरों ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली, जबकि दो छत के नीचे दब गए। सूचना मिली तो बचाव दल मौके पर पहुंचा, छत के नीचे दबे मजदूरों को निकाला जा रहा है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे उपचार के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है, दूसरे को चोटें आई है। हादसा देर शाम तकरीबन 6:15 बजे पेश आया। हमेशा की तरह स्थानीय लोगों ने मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाए। SP बद्दी मोहित चावला ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। ये है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, चार मजदूर बता रहे शटरिंग का काम चल रहा था, तीन एकदम इवैक्यूएट हो गए, एक को टीम ने फायर की और पुलिस की टीम ने निकाला, स्थानीय लोगों ने भी मदद की है। जब तक सारा इवैक्यूएशन का प्रोसेस हम क्लियर साइट नहीं कर देते, रात भर ऑफिस चलेगा। ऑफकोर्स किसका नेग्लिजेंस है, कहाँ से परमिशन दी, हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम मुस्तैद है। हमारे लिए संतोषजनक बात यह है कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, बट मेरी हिदायत रही कि जब भी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट से काम चले प्रॉपर SOP का फॉलो करें, और अगर यहाँ पे SOP फॉलो नहीं है तो इसमें हम कार्रवाई भी इंश्योर करेंगे। धन्यवाद।